नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय ये है कि कंप्लेंट क्या होता है। लोग कंप्लेंट के बारे में थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं और वह इसको FIR समझ लेते हैं, लेकिन FIR और कंप्लेंट दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो वह अंतर क्या है और कंप्लेंट किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल के माध्यम से कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और इस चैनल के माध्यम से आपको कानून की लेटेस्ट जानकारियां रोज दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, परिवाद यानी इंग्लिश में बोला जाए तो कंप्लेंट, जब कोई घटना घटती है और जब कोई व्यक्ति उस घटना की शिकायत मजिस्ट्रेट से करता है, न कि पुलिस स्टेशन में जा करके किसी पुलिस अधिकारी से करता है। यह जो टर्म होता है वो परिवाद कहलाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 2 के अंतर्गत परिवाद को बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी घटना की शिकायत या रिपोर्ट सीधे मजिस्ट्रेट से की जाती है तो वह कंप्लेंट होती है, इसमें FIR नहीं होती है, और इसको हम लोग FIR नहीं कह सकते हैं। FIR हम लोग सेक्शन 154 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में जाकर के करते हैं, किसी पुलिस अधिकारी को किसी घटना से संबंधित सूचना होती है, लेकिन कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट से ही की जाती है, किसी घटना के घटित होने की सूचना देना। अब वह मजिस्ट्रेट उस घटना को जब उस जान जाता है कि यह घटना की सूचना मेरे पास आई है, तो वह अपने क्षेत्र के उस थाने के अधिकारी को तलब करता है कि आप उस घटना का इन्वेस्टिगेशन करें। अब बात आती है कि परिवाद में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, परिवाद हम लोग या तो मौखिक रूप से यानी मुंह से बोल करके मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, या फिर हम लोग लिखित रूप में यानी रिटन में दे सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि परिवाद या कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट से ही की जाती है, पुलिस अधिकारी से नहीं की जाती है। तीसरी बात यह आती है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट या फिर FIR शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि किसी भी घटना की कंप्लेन या फिर उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देते हैं तो वह परिवाद या फिर कंप्लेंट कहलाती है, जो कि CRPC की धारा 2 के अंतर्गत बताई गई है, लेकिन FIR CRPC के सेक्शन 154 के अंतर्गत बताई गई है। तो ये होता है परिवाद, और यह होता है परिवाद और FIR में अंतर। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस विधि टीरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।